Hello guys, welcome back. Today I teach all of you that's mathematics of class 9 CBSE board question number 2nd exercise 6.1. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को CBSE board के class 9th का जो कि math का exercise 6.1 का question number 2 है उसको teach करने जा रहा हूँ. Okay? I hope आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा. क्योंकि बेटा आपसे मैं इस क्लास का ऑनलाइन चार्ज, वीडियो का कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ. बस आपकी थोड़ी सी 2 सेकंड का समय और 1 MB 2 MB का यूज ही आपसे लेना चाहता हूँ. ओके, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आपके पास बुक होगा, ओपन कर लीजिएगा. कह रहा इन फिगर 6.14, फर्स्ट में फिगर ड्रा कर लेता हूँ बेटा. ये आपका फिगर है, दिस ये है आपका फिगर. ठीक है, इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई, this x and this y, x y and mn intersect this m and this n, mn intersect at o, this point o. okay, this o here, yahan pe o hai, and this if angle poy, angle poy is equal to 90 and a is to b, a is to b is equal to 2 is to 3, find this here c, angle c is equal to find करना. ओके, आइए देखते हैं हम लोग. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और प्यारा सा क्वेश्चन है. देखिए सॉल्यूशन में होगा बेटा p o y, where is p, this this point is P. This given 90. ये क्या है, पी ओ वाई की वैल्यू 90 है, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90. ओके, और यहां से आपको क्या करा बेटा, ए इज टू बी, दिस ए एंड दिस, सॉरी दिस बी एंड दिस ए, इट मीन्स दिस ए इज टू बी इक्वल टू 2 इज टू 3. नाउ वी गेट a is equal to 2x and b is equal to 3x. Suppose, मैंने मान लिया, this a is equal to 2x and b is equal to 3x. Okay? तो देखिए बेटा, x y is a straight line and this angle is 90. It means OP is perpendicular. है ना? जब OP perpendicular, this angle is also 90. इन टू एंगल्स का आप सम करेंगे, is also given 90. So this angle A plus angle B is equal to 90. Now this A की वैल्यू here 2x plus 3x, B की वैल्यू 3x is equal to 90. This 5x is equal to 90. Now x is equal to 90 upon 5. Means x is equal to 5 on the 5. We get here 4. This 5 get here 40. ओके, x की वैल्यू बेटा 18 आया. तो अब यहां से दिस एंगल a इज इक्वल टू 2x मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 36. ओके, एंड एंगल b इज इक्वल टू 3x मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 54. ये है बेटा वैल्यू a एंड b की. बट आपको फाइंड क्या करना है बेटा, एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो अब यहां से आप क्या करेंगे, जो एंगल सी है ये क्या है बेटा, ये 90 मींस कि एंगल पी ओ वाई और एंगल ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एंगल दिस सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई,
दिस ए की वैल्यू आपने फाइंड किया है 36 प्लस पी ओ वाई की वैल्यू है 90। नाउ अब ऐड करेंगे आप, देन वी गेट दिस 90 प्लस 36 वी गेट 126 एंगल सी। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी, एंगल सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, देन वी गेट 126। अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अगर यदि आपको समझ में आ गया है इस एक्सरसाइज में या किसी भी एक्सरसाइज में आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डाउटनेस है, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन अवश्य दे दूंगा। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और उसे बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका छोटा सा एक ही लाइक मुझे मोटिवेट करेगा नए वीडियो के लिए। थैंक यू।